तो यार सबसे पहले बात कर लेते हैं चैनल के स्पॉन्सर परीक्षा ऐप के बारे में। परीक्षा पर एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप के लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जा रही है। अगर आप अपने इस चैनल कोड इंडियन वी 40 यूज़ करते हो तो आपको सीधा 40% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक, कैसे हो आप सब। सामान्य ज्ञान के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे। इसको आप एक प्रैक्टिस सेट नहीं कह सकते हो क्योंकि प्रैक्टिस सेट में सभी टॉपिक से कुछ क्वेश्चन होते हैं। बाकी इस वीडियो में मैंने 25 क्वेश्चन रखे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, नेवी, डबल एस, SSR, MR और साथ ही एयरफोर्स के लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एयरफोर्स का नया बैच स्टार्ट करने वाला हूँ, कब से कहाँ से कैसे स्टार्ट होगा मैं आपको बताऊंगा। और 2020 नेवी डबल SSR खतरनाक तैयारी मैंने बोली थी तो उसका शुरुआत हो गया है। अगर आप रेगुलर हो चैनल पर तो आपको पता चल गया होगा, दिन में तीन वीडियोस में डालता हूं जबकि ऐसा मैंने कभी नहीं किया। और तीन वीडियो में एक सामान्य ज्ञान की 25 क्वेश्चन की होती है, दूसरी जिसमें साइंस होगी या कभी कभी उसमें रीजनिंग भी मैं डाल देता हूं, और तीसरी वीडियो आती है कोई भी टॉपिक की, जो भी हम कोई भी टॉपिक उठा के उसको कवर करते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो उनको कवर करते हैं। तो आप रेगुलर हो तो ऊपर आई बटन पर देख लेना, आई बटन पर मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है नेवी डबल SSR सामान्य ज्ञान कंप्लीट सिलेबस, तो उस प्लेलिस्ट में जितनी भी वीडियोस हैं वो जरूर आप देख लेना। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। लाइक नहीं किया तो लाइक मत करो, कोई दिक्कत नहीं, आपको पसंद आए तब आप कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लो, नीचे देखो रेड बटन होगा क्लिक कर दो। पहला क्वेश्चन है, फाहियान किस शासक के समय में भारत आया था। चार ऑप्शन है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, सभी को जवाब आता होगा, वन का सी आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में दे भी दिया होगा, जल्दी जल्दी आप कमेंट बॉक्स ओपन करके रखना है, जवाब देना है। दूसरा क्वेश्चन है, देखो यार सर्दी हो गई काफ़ी, गला पूरा एकदम कड़वा सा हो रहा है, मतलब खांसी हो गई है, जुकाम भी हो गया, तो बोलने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, बट वीडियोस तो देनी ही देनी है। आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राममोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर, ज्योतिबा फुले। तो आत्मीय सभा के जो संस्थापक थे वो थे राजा राममोहन राय, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में प्रथम रेलगाड़ी किस शासक के शासनकाल में चली। तो लॉर्ड डलहौजी, विलियम बेंटिक और कैनिंग या फिर कार्नवालिस, तो इसका सही जवाब है भारत में प्रथम रेलगाड़ी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली थी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, सेरी कल्चर किसके उत्पादन से संबंधित है। तो सेरी कल्चर किसके उत्पादन से संबंधित है, ये आपका रेशम के उत्पादन से संबंधित है। ये जो टॉपिक है ना इसको मैं कवर करूंगा, एक कोई भी एक अलग वीडियो आपको दूंगा, आप रेगुलर बने रहिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन आ जाता है। नॉर्मन बोरलॉग संबंधित है, दुग्ध क्रांति, हरित क्रांति, रेशम उत्पादन से, वार्षिक योजना से। तो देखो जितनी भी क्रांतियां वगैरह हैं इनसे भी क्वेश्चन आ जाता है, तो जितनी भी हैं मैं आपको एक वीडियो में जरूर कवर कर दूंगा, ज़्यादा बड़ी नहीं लेकिन 3 से 4 मिनट की वीडियो होगी वो। तो नॉर्मन बोरलॉग संबंधित है, वो आपकी हरित क्रांति से है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, अमेरिका में जॉन केरी, ठीक है, अमेरिका में जॉन केरी की डेमोक्रेटिक पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। लगभग आप में से कुछ ही लोग होंगे जो ज़्यादा अच्छे से पढ़ते होंगे उनको इसका आंसर पता होगा, बाकी बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। तो देखो मैं बता देता हूँ, जॉन केरी का जो डेमोक्रेटिक पार्टी का चुनाव चिन्ह है वो है गधा, ऑप्शन नंबर डी इसका डी इसका सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है, फीफा किस खेल का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। सभी को पता होगा फुटबॉल का, ठीक है। नेक्स्ट देखो 8 नंबर है, धनवंतरित पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है, चिकित्सा, अर्थशास्त्र, साहित्य में से कोई नहीं। तो जो आपका धनवंतरित पुरस्कार होता है वो आपका चिकित्सा के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, ब्राज़ील ने अब तक, यार गाइस कमेंट बॉक्स में जरूर बता दिया करो कि वीडियोस आपको कैसी लग रही है, ब्राज़ील ने अब तक कितनी बार विश्व कप फुटबॉल जीता है। तो सबसे ज़्यादा बार 5 बार, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10 है, एडम्स ब्रिज या जिसे शायद आदम पुल भी कहते हैं, तो एडम्स ब्रिज किन दो देशों के बीच स्थित है, अमेरिका, कनाडा, भारत, श्रीलंका, उत्तर व दक्षिण कोरिया, फ्रांस व इंग्लैंड। तो एडम्स ब्रिज किन दो देशों के बीच है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भारत व श्रीलंका। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11, साइप्रस की राजधानी, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, पहले भी पढ़ा चुका हूँ, इंपॉर्टेंट है दोबारा रख दिया, साइप्रस की राजधानी क्या है, निकोसिया है साइप्रस की राजधानी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट देखो 12 नंबर है, जंजीबार किस देश का पुराना नाम है, तो जाम्बिया, घाना, मोजाम्बिक, तंजानिया। तो जंजीबार मैंने एक बार और पढ़ा चुका हूँ, तो जंजीबार आपका तंजानिया देश का पुराना नाम है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, निम्न में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का मुख्य अंग नहीं है, चार ऑप्शन है यहाँ पे, सचिवालय,
और विश्व स्वास्थ्य संगठन, न्याय परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इनमें से कोई एक ऐसा है जो संयुक्त राष्ट्र का मुख्य अंग नहीं है। ये संयुक्त राष्ट्र जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करूंगा। कितनी भी बड़ी वीडियो बने मैटर नहीं करता, और इस वीडियो को आप जरूर देखना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, विश्व स्वास्थ्य संगठन संयुक्त राष्ट्र का मुख्य अंग नहीं है। ठीक है, 14 नंबर देखो, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। चलो कमेंट बॉक्स में बताओ 14 का ए बी सी, आपको कौन सा ए बी सी डी कौन सा सही लगता है। और इसका सही जवाब है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 15 नंबर है, राज तरंगिणी के लेखक कौन है। रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, कालिदास, कल्हण भास, या फिर भवभूति। तो देखो, कल्हणी, सॉरी, राज तरंगिणी के जो लेखक है वो है कल्हण। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, पूर्वी मध्य रेलवे कौन सा। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है। गोरखपुर, कोलकाता, जबलपुर, हाजीपुर। तो सही जवाब है इसका हाजीपुर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 17 है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है। तो जो आपकी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है वो आपकी पेराम्बुर में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। ठीक है, एटीएम, एटीएम का पूर्ण रूप क्या है पता होगा लगभग काफ़ी लोगों को, फिर भी गलती कर देते हैं। और ये ऐसा मत सोचना कि एटीएम का फुल फॉर्म पूछा नहीं जाता, पूछा जाता है और ये बार बार रिपीट भी होता रहता। तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, एनी टाइम मनी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। ध्यान रखिएगा, ऑटोमेटेड है, ऑटोमेटिक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है, यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किस नृत्य से है। भरतनाट्यम, कथकली, कथक, मोहिनीअट्टम। तो इसका सही जवाब है भरतनाट्यम। गाइज, मैं मानो थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, ज़्यादा क्वेश्चन के बारे में भी नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं इस समय फील कर सकता हूँ, आप नहीं कर सकते हो। मेरा जो गला है वो इतनी तेज़ से कड़वा हो रहा है, मतलब बोलने में, मतलब आंखों से आंसू निकले, इतना तेज़ कड़वा हो रहा है, क्योंकि कड़ू सा लग रहा है और मैं रेगुलर बोल रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा है। तो यार थोड़ा सा मैनेज करना। मैगी नॉट रेखा किन दो देशों के बीच है। मैगी नॉट रेखा किन दो देशों के बीच है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसी काफ़ी सारी रेखाएं हैं जो दो देशों के बीच हैं वो पूछी जाती हैं। डेफिनेटली मैं आपको कराऊंगा। तो मैगी नॉट जो रेखा है वो किन दो देशों के बीच है, वो आपकी जर्मनी और, सॉरी, जर्मनी, पोलैंड, फ्रांस, जर्मनी। तो इसमें फ्रांस और जर्मनी के बीच है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, हॉन्ग सेंग किस देश का शेयर सूचकांक है। बढ़िया क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है। हॉन्ग सेंग किस देश का शेयर सूचकांक है। तो ये आपका हांगकांग का है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो भारत का मैनचेस्टर जिसे कहा जाता है वो है कानपुर, अहमदाबाद, वाराणसी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है अहमदाबाद। अगर क्वेश्चन आता है कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तब आप सही करेंगे कानपुर। लेकिन अगर सिर्फ क्वेश्चन लिख के आता है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, तो आप बोलेंगे अहमदाबाद। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। हो सकता है सिर्फ इतना लिख के आए 2.4%, तो भी आप सही कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है, तो इसका सही जवाब है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो होते हैं आपके, हमारे देश के, वो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है 25 नंबर है, संविधान से रिलेटेड एक क्वेश्चन रख दिया था, संविधान के किस अनुच्छेद को, संविधान से एक क्वेश्चन रखा लेकिन तगड़ा क्वेश्चन भाई साहब। संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है, अनुच्छेद 32, 324, 19, या फिर 14 को। तो देखो, अनुच्छेद 32 को संविधान के,
संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव ने खुद इसे मतलब अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि किसने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था, तो आपको याद रखना है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने यह बोला था। तो इस तरीके से मैंने आपको 25 क्वेश्चन कराए, अच्छे से ज़्यादा नहीं समझा पाया क्योंकि अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं जो भी जीके की वीडियो दूँ हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेन करूँ, है ना, जैसे कोई भी क्वेश्चन है उससे रिलेटेड मैं कुछ चीज़ें बताऊं ताकि आपको क्वेश्चन याद रहे, उससे रिलेटेड उससे बातें याद रहें, उससे रिलेटेड चीज़ें याद रहें, उसके आसपास की चीज़ें याद रहें। बट ये होता है कि यार वीडियो फिर ज़्यादा बड़ी होती है, 15 से 20 मिनट की वीडियो होगी और आप लोग बोर हो जाते हो, क्योंकि मैं वॉच टाइम देख के जान जाता हूँ कि आप लोगों ने कितने परसेंट वीडियोज़ को देखी है, तो उससे उसी हिसाब से मैं कोशिश करता हूँ छोटी वीडियोज़ कर दूँ। बाकी 10 मिनट की वीडियो होती है, 10 मिनट में हम आपको 25 क्वेश्चन करा देते हैं, उतने में आप भी खुश रहते हो, हम भी खुश रहते हैं, तो ज़्यादा हम भी कोशिश नहीं करते आपको समझाने की। बाकी सब कुछ आपके कमेंट्स पे डिपेंड करता है, हम कमेंट्स आपके पढ़ते रहते हैं और उसी उन्हीं को देख कर हम दिन प्रति सुधार करते रहते हैं। तो कमेंट्स जरूर किया करिए, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।